तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। आज की डी में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A22 के बारे में। इसका जो है ना एक 4G वर्जन जो है ना आने वाला है पाकिस्तान में, अगर जिसके अंदर हीलियो G80 प्रोसेसर होगा, सुपर एमोलेड 720p 90Hz का जो है ना रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा इस फोन के अंदर। और डिस्प्ले की बात करें, सुपर एमोलेड 720p 90Hz काफी अच्छा कंपैरिजन लगता है। तो इस फोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे तीन वेरिएंट होने वाले हैं, 4GB 64GB 4GB 128GB एंड 6GB 128GB। अब देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है 30,000 के अराउंड अगर 4 128 या 6 128 आ गया तो काफी अच्छा कंपैरिजन रहेगा, क्योंकि सैमसंग जैसा ब्रांड एंड वन यूआई 3.1 वन ऑफ द बेस्ट यूआई है एंड्रॉयड का। और अगर बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, यहाँ पर आपको 5000mAh बैटरी विथ 15W फास्ट चार्जिंग मिलेगी। एंड डिस्प्ले मुझे काफ़ी सही लगा, कैमरास काफ़ी अच्छी होने वाली है। 48MP का मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर। और फ्रंट में आपको 13MP की सेल्फी भी मिलेगी, जिसकी मदद से आप 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सैमसंग की कैमरा आप सबको पता ही है कैसी होती है, जैसी ये अभी है। और ये जो फ़ोन है 2015 का फ़ोन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी के टाइम पे अगर वो फ़ोन आएगा तो उसकी कैमरा कैसी होगी, देखते हैं। सो अगर बात करें इस फ़ोन के बारे में, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर इसकी प्राइस 24,000 आ गई 6 128 वाले वेरियंट की अगर आ गई, तो भाई मार्केट में इससे अच्छा डिवाइस आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सैमसंग है। एंड यहाँ पे 13MP की सेल्फी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 24 या 25,000 के अंदर सीन बनता है। मे बी सैमसंग समटाइम्स जो है ना ओवर प्राइस भी करता है फ़ोन को, तो शायद 4GB 64GB आपको 30,000 के अंदर मिल जाए, बट वो जो है ना फिर ओवर प्राइस हो जाएगा। 6 128GB या 4 128 अगर 25 से 30,000 के अराउंड आता है, तो दिस विल बी दी बेस्ट डील। और मुझे बैटरी इस फ़ोन की सही लगी है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है प्राइस को देखते हुए। ओके कैमराज भी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं और बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, सब चीज़ मुझे फ़ोन की काफ़ी अच्छी लगी। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब, ऐसी न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में और टेक न्यूज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए